सो गाइस मेरे पास है एम्ब्रेन का नियो 33 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स गाइस, और गाइस इसकी जो प्राइसिंग है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल 799 रुपीस की प्राइसिंग है अमेज़न पे गाइस। और गाइस क्या आप लोग को 799 रुपीस वर्थ होने वाला है कि नहीं, इसके लिए गाइस जानेंगे हम इस वीडियो में। सो गाइस आप लोग को इस टाइप का शेप एंड डिजाइन देखने मिलता है इसका बॉक्स का। इसके कुछ स्पेक्स को पढ़ लेते हैं। इसमें आप लोग कंप्यूटर लूज सीरी एंड गूगल असिस्ट का फीचर देखने मिलता है गाइस। अब प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आप लोग को प्ले ऑन सिंगल चार्जिंग मतलब 5 घंटा आप लोग को 70% एट वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। और गाइस आप लोग को प्ले विद चार्जिंग केस मतलब 14 आवर्स आप लोग को चार्जिंग केस देखने को मिलेगा 80% वॉल्यूम में। और चार्जिंग टाइम आप लोग को एक घंटा 20 मिनट आप लोग को देखने को मिलता है गाइस। और इसमें और भी फीचर्स है गाइस, जिसमें आप लोग को मल्टी फंक्शनल टच सेंसर और इजी कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जो कि हम आगे इसको देखेंगे कितना अच्छा ये काम करता है। और अब करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स। तो बॉक्स ऐसे करके पुल करना पड़ता है और इसे इस सेक्शन के अंदर निकलेगा। और यहाँ और इनके गाइस सोशल हैंडल्स का ये आईडी दे रखा है। तो चलिए इस करते हैं अनबॉक्स। और गाइस आप लोग को इस प्रकार का यहाँ सील देखने को मिलता है। इसे मैंने पहले से ब्रेक कर रखा है जब डिलीवरी बॉय आया था उसे चेक करने के लिए। सो गाइस इसे खोलते हैं तो यहाँ आप लोग को ये हमारा ये एयरपोर्ट्स देखने को मिलता है गाइस। ये चमचमाता एयरपोर्ट्स नेवी ब्लू कलर, डार्क नेवी ब्लू कलर में। इसे थोड़ा रखते हैं साइड और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है इस बॉक्स में। ये आप लोग को ये हटा देते हैं। यहाँ कुछ आप लोग को यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ आप लोग को डिजिटल यूजर मैनुअल देखने को मिल रहा है, जो कि कोई काम का नहीं है गाइस। इसे भी कर देते हैं साइड। इसमें शायद गाइस इसमें एक्सेसरीज देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ एक्सेसरीज देखने को मिल रहा है। क्या क्या देखने को मिलता है गाइस? और इसमें एक केबल देखने को मिलता है गाइस, जो कि USB-C केबल है। और भी कुछ देखने को मिलता है गाइस। और इसमें एक्स्ट्रा ट्यूब्स देखने को मिलता है, जो कि आपके कान के साइज के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसे। तो इसे भी रखते हैं साइड। और बॉक्स में कुछ देखने को नहीं मिलता है, ये खाली है, तो बॉक्स को करते हैं साइड गाइस। हमारा ट्रू वायरलेस ईयरबड्स गाइस, जिसका चार्जिंग टाइम तो 1 आवर 20 मिनट है गाइस। और इसमें आप लोग बॉक्स में देख रहे हैं मेंशन कर रखा है 19 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग। तो एक्चुअली में इतना आप लोग को इसका बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, क्योंकि मैं इसे एक हफ्ते से लगातार यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग को यहाँ दोनों में लाइट इंडिकेटर देखने को मिलता है गाइस। और बॉक्स में भी आप लोग को ये लाइट इंडिकेटर देखने को मिलता है। और नीचे आप लोग को USB-C पोर्ट देखने को मिल रहा है। ये डेंट वगैरह मैंने से इसे ड्रॉप कर दिया, मेरे से ही गिर गया था तब ये डेंट वगैरह लग गया गाइस। बाकी चार्जिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी केस का डिजाइन वगैरह बहुत ज्यादा स्लीक और बहुत ज्यादा अच्छा है डार्क नेवी कलर में। और गाइस सिंगल हैंडेड भी आराम से ये ओपन हो जाता है। और गाइस अब मैं अपने आईफोन 11 से कनेक्ट करता हूं, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ V5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। कितना जल्दी ये कनेक्ट होता है गाइस देखते हैं। तो ऐसे निकाल लेते हैं अपने ईयरबड्स को और ये अपने ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं। ब्लूटूथ पहले से ही ऑन है। तो गाइस ये रहा इसका कनेक्टिविटी, इसे क्लिक कर देते हैं। मतलब 1-2 सेकंड लगता है इसे कनेक्ट होने में गाइस। बाकी इसमें देखते हैं गाइस, इसमें मल्टी फंक्शन टच सेंसर भी दे रखा है, तो इसका देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो गाइस देखते हैं पहले इसे एक बार, जैसे ही टच करोगे गाइस वैसे इस वीडियो पॉज हो जाएगा। जैसे ही टच करोगे ये वीडियो चलने लगेगा गाइस। मतलब टच से आपका एक टच से ये प्ले हो जाता है, आपका एक टच से ये पॉज हो जाता है। और डबल टैप करोगे तो गाइस वॉल्यूम अप होगा, और ये लेफ्ट वाले में डबल टैप करोगे तो वॉल्यूम डाउन होगा गाइस। और अगर आप से लोग सीरी चालू करना चाहते हो आप, तो आप से लोग को ट्रिपल टैप करना पड़ेगा, तो यहाँ आपका सीरी स्टार्ट हो जाता है गाइस। और गाइस अगर आप से लोग को कोई दूसरी वीडियो देखना है तो आप नेक्स्ट करना है, तो आप से लोग सिंपली प्रेस करके रखना है तो ये आप नेक्स्ट हो जाएगा गाइस। तो गाइस इसका कुछ मल्टी फंक्शन टच सेंसर थोड़ा सा लेट काम करता है लोग, लेकिन काम करता है गाइस, तो इसलिए तो अच्छी बात है। और 700-800 रुपये में और क्या चाहिए आप से लोग को, कैसा आप लोग को टच रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब एयरपोर्ट्स प्रो गाइस 24-25 हज़ार आके आते हैं, उसमें आप लोग को अच्छा टच रिस्पॉन्स देखने को, ये तो 800 का है। तो गाइस 800 के हिसाब से इसका इनफ है। सो गाइस अब इसको पहन के देखते हैं कि कैसा कम्फर्ट कैसा फील देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट देखें इसका कि कैसा लग रहा है आप लोगों गाइस। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करके बताना गाइस। चलते हैं इसे पहनते हैं और देखते हैं कैसा लगता है गाइस। पहनने में तो बहुत ज्यादा कंफर्ट लग रहा है गाइस, और मेरे कान के हिसाब से बहुत ज्यादा ये कंफर्टेबल है, और मेरे कान में ये अच्छा से फिट भी हो गया है। और गाइस के वॉल्यूम अगर म्यूजिक वगैरह की बात करें, बहुत ज्यादा अच्छा म्यूजिक और लाउड म्यूजिक देखने को मिलता है। मैं एक हफ्ते से इसे यूज कर रहा हूँ, लगातार एक हफ्ते से इसे यूज कर रहा हूँ गाइस, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। थोड़ी सी अगर कॉलिंग वगैरह करोगे तो गाइस कॉलिंग में थोड़ी सी क्वालिटी इसकी खराब देखने को मिलती है, मतलब थोड़ा सा ही खराब देखने को मिलता है, लेकिन गाइस कॉलिंग वगैरह भी डिसेंट लेवल का ये कर देता है गाइस। और गाइस की रेंज की बात करें तो आप लोग को अच्छी खासी रेंज देखने को मिलती है, मतलब मैं अपने घर पे इस फोन को रख देता हूँ और आराम से अपने पूरे घर में टहल टहल के बात वगैरह करते रहता हूँ, गाना वगैरह सुनते रहता हूँ, मतलब इसकी
इसकी जो रेंज है गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छी रेंज है इस ईयरबड्स की। और गाइस ये ईयरबड्स आप लोग को 800 के हिसाब से बहुत ज्यादा डिसेंट है, अच्छी क्वालिटी भी देखने को मिलता है, मतलब अच्छी खासी म्यूजिक क्वालिटी देखने को मिल रही है गाइस, कॉल लॉगिंग वगैरह भी डिसेंट लेवल का कर देता है। और गाइस इसका रेंज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइस, जो कि मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस इसके रेंज से। तो गाइस मेरे हिसाब से ये 800 रुपया बहुत ज्यादा वर्थी है इस ईयरबड्स के लिए। और गाइस इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप सभी लोग को अच्छा लगे या मेरे रिव्यू पसंद आए तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना गाइस। तो ये थे मेरे न्यू बड्स 33 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू गाइस। तो गाइस आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद लगी हो, पसंद लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।